वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अपने पांचवें और अंतिम बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1.32 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट का प्रावधान किया है। बजट को लेकर हमने लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया ली, जिसमें लोगों का कहना है कि इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया, वहीं बजट राशि को भी बढ़ाया गया है। लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें बजट से काफी उम्मीदें थी, जीएसटी में राहत की उम्मीद थी, वहीं व्यापारी पेट्रोल डीजल में राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे। वहीं कुछ लोगों को यह बजट नपातुला व ठीक लगा। व्यापारी को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी, जो सरकार उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी। हमें जीएसटी में उम्मीद थी भी हमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, जो 28% की सब्सिडी जीएसटी है वो 18 के स्लैब में और 18 वाली 12 के स्लैब में लाएंगे, पर उस पे जीएसटी कहीं नहीं आई। सबसे बड़ी बात, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बहुत पब्लिक की डिमांड है और व्यापारी की भी डिमांड है, उस पे ये इन्होंने कुछ नहीं सोचा। कैसा बजट रहा? गरीब आदमी ना तो अब कुछ मिला, ना पहले कुछ मिला और ना ही आने वाले समय में कुछ मिलने वाले से है। ठीक है जी, ये तो वोट मांगने वाली समस्या है, इनकी वोट लेने बटोरने चले जाए निकल गए। ये जो भी बजट आया है ये सिर्फ चुनावों को देखते हुए प्लान किया हुआ बजट है। इसमें कुछ भी फ्यूचर में युवाओं के लिए कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिसमें उनको रोजगार उपलब्ध हो, या कोई ऐसी स्कीम आई हो भी इतने करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, तो ये पसंद नहीं आया। कुछ खास इतना है नहीं। बजट एक ये एक रला मिला सा बजट है। बजट में इसका आकार तो बढ़ाया गया है, पर इससे अच्छा ये होगा कि इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन की जाए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों में जो इसके बजट के दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होगा तो इससे हमें बहुत उम्मीद है। ठीक है ना, अदरवाइज तो फिर फेल हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने बजट पास किया है, उससे काफ़ी हमें रिस्पॉन्स मिला है थोड़ा, और इसे देख के हमें अच्छा लगा कि पहले से काफ़ी जो हमें उम्मीद थी वो हमें बढ़िया लगा, यानी कि बजट बहुत अच्छा है। बजट जो इन्होंने अपना इसका चुनावी बजट की तरह ही है, ये एक्चुअली क्या चक्कर है, इसके अंदर इन्होंने व्यापार के बारे में तो कुछ नहीं सोचा, कुछ जीएसटी के ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं दी किसी इंडस्ट्रीज़ को कि उसे फटाफट। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल और डीजल के रेट जो शुरू से ही डिमांड हो रही है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, उसके बारे में इन्होंने कुछ सोचा, तो इस पर से कुछ बजट का तो नहीं है कुछ। देखिए, ये जो बजट आया है ये चुनावी बजट है, इसको हम एक जुमले के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, ये एक हरियाणा की जनता के ऊपर इन्होंने कर्ज थोपा है। ना तो पहले अच्छा बजट आया था, ना ही अब अच्छा बजट आया है।